नमस्कार एवरीवन, क्लास 12 हिस्ट्री। हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इट सीम्स इट इज थ्योरेटिकल, बट व्हेन वी स्टार्ट स्टडिंग इन टेल मैन स्टोरी मैन, इट सीम्स वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। सो टुडे व्हाट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज चैप्टर 4। बिफोर दैट व्हाट एवर चैप्टर्स वी हैव डन बाई द वॉइस नोट्स एंड द यूट्यूब वीडियोज एंड द पिक्चर्स, सो लिटिल बिट रीकैप वी विल टेक ऑफ दैट। We studied about the Indus Valley civilization. Then we studied about the glimpses of Mahabharata and various stories of that time. So by seeing all these epics, by seeing all these stories, we came to know about the social norms, social whatever rituals were there, and the political arena, what was the economy, everything we came to know with a particular picture. So today we are going to discuss the chapter Thinkers, Beliefs and Beliefs. बच्चों, India is a country, we are having a rich culture and the thinkers also. Thinkers, कौन से thinkers? Those who are telling about the social norms, those who are telling us about our rituals, those who are telling us about our tradition. सो इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं उन थिंकर्स के बारे में। हम गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे, हम महावीर स्वामी को पढ़ेंगे, हमने वेदों के बारे में जाना। वी न्यू अबाउट द वेदास, हाउ द फोर वर्णास आर देयर, हाउ वी आर हैविंग द जाति वर्ण सिस्टम, एंड वी न्यू अबाउट द वेदास आल्सो, फोर वेदास आर देयर, वी स्टडीड अर्लियर, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इनके बारे में जाना हमने। नाउ वी आर कमिंग टू आर थिंकर्स जो कि बुद्धिस्ट थे, जो जैनिस्ट थे, कि हम क्या करते हैं, इंडिया इज लिविंग इन द कल्चर ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। पूरे वर्ल्ड में किस तरह की विचारधारा है, किस तरह की थिंकिंग है, उन सबको डिपिक्ट करते हुए वी जस्ट डिस्कस अबाउट थिंग्स। सो टुडे द चैप्टर इज अबाउट द थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। थिंकर्स जो विचारक थे, बिलीव्स जो उनके विचार, विश्वास, मान्यताएं थी वो, और बिल्डिंग्स, कौन कौन सी बिल्डिंग्स सेटअप हुई। तो सबसे पहले हम जिस बिल्डिंग का नाम लेंगे वो अभी भोपाल में है, जिसे हम कहते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, स्तूप माउंट जो होते थे, एक पर्टिकुलर डोम टाइप का एरिया, और दिस आई थिंक आई हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो, जो पूजा की जगह होती है वो मोस्टली ट्राइबल क्षेत्र होती है, जहाँ कंसंट्रेशन, जहाँ मेडिटेशन हो सके। सो इन सच अ वे स्तूप थे वो भी इस तरह से हाफ सर्कल टाइप ऊपर से होते थे, और इट वॉज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, मेडिटेशन का, वर्शिप का प्लेस था। तो वैसा एक प्लेस था सांची में। सांची के स्तूप जो थे वो वर्ल्ड फेमस थे। सो टॉपिक इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्लिम्स ऑफ सांची। सो वेयर वी आर हैविंग द रिच हेरिटेज, हमारा हेरिटेज बहुत रिच है, तो हम अब सांची के स्तूप जो हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो सांची का स्तूप था वो एक बहुत वाइड एरिया में भोपाल का एक साइट में वहाँ फैला हुआ था, और जितने भी आपके फ्रेंच थे और इंग्लिश मैन थे, देवर वॉन्टिंग की जो स्तूप का जो तोरण वाला जो मेन गेट है वो उन्हें मिल जाए, जिसे वो अपने म्यूजियम में रखे जाते। बट ऐसा नहीं किया हमने, हमने उन्हें प्लास्टर कास्ट कॉपीज की, उस पर्टिकुलर स्तूप की जो बिल्कुल कॉपी रखती थी, वो उन्हें फ्रांस और इंग्लिश मैन इंग्लैंड ले गए, और हमारा ओरिजिनल जो स्तूप था वो, ओरिजिनल साइट जो था वो भोपाल में रहा। एंड आप सोचिए कि अगर इंग्लिश मैन या फ्रेंच उसे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ मच इंपॉर्टेंट दैट मीन्स, शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रिजर्व द साइट्स। भोपाल की रूलर थी शाहजहां बेगम, एंड उनकी सक्सेसर थी शाह सुल्तान ने। उन्होंने क्या किया, इन सांची के जो स्तूप्स थे इनको प्रिजर्व करने के लिए दे डोनेटेड मनी फॉर दैट, और म्यूजियम में प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिया। तो यहाँ एक बात यह होती है, जो रूलर्स थे हमारे, वो रूलर्स अपनी एरिया की हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए देवर पुटिंग एफर्ट्स, ऐसा एफर्ट किया जाता था, ऐसा हुआ सांची। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कि ये क्या था।
तो सांची का जो स्तूप था इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस टू नो अबाउट द बुद्धिस्ट कल्चर. बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में जानने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था सांची का स्तूप. देन कमिंग टू द इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स, अब हम यहाँ हमने बिल्डिंग की बात करी, अब हम बात करते हैं थिंकर्स. कौन कौन से ऐसे विचारक थे जो उस समय अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे? जरथुस्ट इन ईरान, ईरान में जरथुस्ट हुए. देन कॉन्गजिंग इन चाइना, चाइना में कॉन्गजिंग हुए. सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल इन ग्रीस, ये सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे जिनके बारे में हम हमारी बुक पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ चुके हैं. देन अगर हम इंडिया की बात करें तो महावीर और गौतम बुद्ध, महावीर और गौतम बुद्ध वो थिंकर्स थे जिनकी टीचिंग्स को हम आज भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं. सो इन सच अ वे वी कैन से दीज थिंकर्स आर टेलिंग अस द वे टू लाइफ. जब हम आगे इनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, हम इनकी टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में और जानेंगे. सो कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, अब अगर हम बुद्धिस्ट की बात करें, बुद्धिस्ट को हम फोकस करें तो बुद्धिस्ट जो के जो एरियाज हैं कहाँ कहाँ उनके मेन एपिक्स बने, कौन कौन से उनके पिटक थे, तो हम बात करें बुद्धिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो पूरा बुद्ध ने जो अपने डिस्कोर्स दिए, प्रवचन दिए, वो सारे ओरल दिए, रिटर्न में नहीं थे. उनके शिष्यों ने उसे रिटर्न पार्ट में लिखा और रिटर्न पार्ट में लिखने के बाद उन्होंने उसके तीन पार्ट किए, वो हम आगे जानेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, ट्रेडिशन ऑफ सेक्रीफाइस. अब सेक्रीफाइस कैसे किया गया था, मतलब जो यज्ञ थे उसकी परंपरा कहाँ से आई? तो ऋग्वेद वॉज द ओल्डेस्ट वे जहाँ से हमें हाइम्स मंत्र मिले जो कि अलग अलग देवताओं की प्रेज में बोले जाते थे. और वो मंत्र कौन से थे? वो मंत्र थे इंद्र के बारे में, अग्नि के बारे में, सोम के बारे में, सोम चंद्रमा, इंद्र जो है इंद्र देवता, वर्षा के, और अग्नि हम जानते ही हैं. तो आपने अगर कभी कोई यज्ञ अटेंड किया हो, देखा हो इदम अग्नर अग्नाय ममा, इदम इंद्राय ममा और इदम सोमाय ममा, तो मतलब इनको समर्पित करते हुए हम जब आहुति करते हैं इसका मतलब है हम सारे देवताओं को याद करते हैं. नाउ प्रे फॉर कैटल, सन, गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ. अब किस बात के लिए देखा, जब हम कोई रिचुअल करते हैं, पूजा करते हैं, उसका एक मोटिव होता है, किस मोटिव से कर रहे हैं? तो मोटिव क्या था? मोटिव था या तो हम कैटल्स के लिए कर रहे थे, जो हमारे कैटल्स होते थे उस समय जमाने में, जैसे दूध मिलता था, दही मिलता था, ट्रेड होता था, बिजनेस था, उनकी प्रिजर्वेंस के लिए, या फिर अपने बच्चों के लिए, या फिर समाज के लिए, या फिर अच्छी हेल्थ के लिए, या लंबी लाइफ के लिए. तो इस तरह से अलग अलग मोटिव को लेकर पूजा की जाती थी. सेक्रीफाइसेस, यज्ञ जब होते थे उनका परफॉर्मेंस कैसा था, यज्ञ कैसे हो रहे थे? देखिए आप परफॉर्म कलेक्टिवली, बहुत सारे जो हुए वो मिलकर यज्ञ करते थे, एक यज्ञ में बहुत सारे जो हुए हैं वो बैठे हैं और वो कलेक्टिवली उसमें पार्ट कर रहे हैं. दूसरा, सिर्फ उस फैमिली का हेडमैन है वो यज्ञ कर रहे हैं. या फिर थर्ड, जो चीफ थे, राजा थे, हेड थे, वो यज्ञ करते थे ब्राह्मणों की सहायता से. बात करें राजसूय यज्ञ, बात करें अश्वमेध यज्ञ, ये सब राजा करते थे. अगर आपने रामायण भी देखी होगी तो रामायण में आई थी जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, इसमें क्या होता था, यज्ञ के बाद एक हॉर्स होते थे, घोड़ा, द हॉर्स मूव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एंड इफ द किंग ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस इज गोइंग टू स्टॉप द हॉर्स देयर, उसको वही रोकता था राजा उस घोड़े को, तो उस राजा को, जिस राजा ने उस घोड़े को भेजा है या यज्ञ के बाद उसको रिलीज किया है, उससे युद्ध करना पड़ता था. और अगर उसको पास ऑन करने जाता था, इसका मतलब है वो एरिया भी उस पर्टिकुलर राजा का जिसने वो यज्ञ किया है उसका हो गया. दैट वॉज कॉल्ड अश्वमेध. सो इट वॉज डन प्रायर बाय गॉड राम, जो मतलब कुश ने वो घोड़ा पकड़ा था, लक्ष्मण से दूर हुआ था, ये सारी चीजें मैंने देखी. सो दीज वर द थिंग्स विच वर डूइंग द पीपुल अर्लियर टाइम, जो पहले कर रहे थे. तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, और आज भी अगर आज भी हम देखें यज्ञ की, हवन की बहुत इंपॉर्टेंस है, लोग बहुत इंपॉर्टेंटली ये सारे काम कर रहे हैं. सो वंस अगेन लेट्स रिकैप. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द सांची स्तूप. सांची स्तूप इज नॉट द प्लेस, जिसमें हमने देखा
कि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेंच और इंग्लिश मैन जो है वो उसको ले जाने की बात कर रहे थे, बट ओरिजिनल था भोपाल में रहा कि शाहजहां बेगम सुल्तान बेगम ने उनको प्रिजर्व किया। उस प्रिजर्वेंस के बाद देवी स्टडीड अबाउट दैट व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर था बुद्ध के बारे में जानने के लिए। देन वी हैव गॉट द ग्लिम्प्स ऑफ द थिंकर्स जो अलग अलग एरिया में हुए, जरथुस्ट ईरान में हुए, कॉन्ग चाइना में हुए, सोक्रेट प्लेटो एरिस्टोटल ग्रीस में हुए, महावीर और बुद्ध इंडिया में हुए। देन वी स्टडीड अबाउट द ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में जो सबसे पुराना वेद है, चार वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में सैक्रिफाइसेस हवन यज्ञ के बारे में बताया गया है। हवन किनके लिए, डाइटीज के लिए, देवताओं के लिए, किन किन देवताओं के लिए, इंद्र देवता हो गए आपके, सोम हो गए, अग्नि हो गए, इनकी पूजा आराधना करना किसके लिए होता था, गुड्स के लिए, कैटल के लिए होता था, गुड हेल्थ के लिए होता था या फिर वेल्थ के लिए होता था, इन सब चीज़ों को लेकर सेक्रीफाइस हो रहे थे। कैसे हो रहे थे, कलेक्टिवली कर रहे थे, विलेज का हेडमैन कर रहा था या फिर राजा कर रहे थे और करवाने वाले थे ब्राह्मण प्रीस्ट, क्योंकि हमने पहले देखा था चार वर्णों के अलग अलग काम थे। ब्राह्मण देवर एंटाइटेड टू द वर्शिप, पूजा करना, क्षत्रिय युद्ध करना, वैश्य बड़े कार्य करना, ट्रेड करना, और जो शूद्र थे उनका काम बाकी तीनों जो वर्ण हैं उनकी सर्विस करने का, सेवा करना। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिलीव्स। आप लोगों को इनके बारे में बुक में भी ढंग से रीड आउट करना है, बिकॉज कंटेंट कैन कम फ्रॉम एनी साइड इन द एग्जाम। आप उसका पर्टिकुलर हो सकता है पैराग्राफ देते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, सोर्सेज हैं आपके बुक्स में, उन सोर्सेज को देखेंगे हम, बहुत सारी स्टोरीज हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर देयर, उन्हें हम पढ़ेंगे। सो जस्ट लुक ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट्स एंड डू रीड द पर्टिकुलर 2 or 3 पेजेस व्हाट एवर वी स्टडी टुडे। मीनवाइल इफ आई फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग लिंक रिगार्डिंग वेदास और ऋग्वेद आई विल सेंड यू द व्हाट्सएप ग्रुप, यू डू वॉच द वीडियो, उसमें आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होगी कि चैंटिंग कैसे होती थी, क्या रिचुअल्स थे, एवरीथिंग यू विल कम टू नो अबाउट। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्वेश्चंस जो इसमें से आते हैं मैं आपको हमेशा लिंक भेजा है सीबीएसई का, इस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन्हें भी आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। सो दिस फॉर द टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4, डू रिवाइज द थिंग्स, कीप स्टडिंग एट होम ऑल्सो, कॉपी में वर्क करें, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट वी विल डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट पिटक्स ऑफ बुद्ध धर्म एंड सो ऑन। थैंक यू सो मच।